हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपके लिए लाए हैं फिर आईब्रो थ्रेडिंग का वीडियो। तो काफ़ी पसंद किए हैं आप जो वीडियो अभी तक अपलोड किए हैं आईब्रो थ्रेडिंग के ऊपर। तो ये जो वीडियोस हैं काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन हम इसमें देते हैं, इंफॉर्मेटिव है वीडियोस। तो आज आपको हम बोलने जा रहे हैं इसके फ़ायदे या फिर प्रॉब्लम्स के बारे में क्या क्या आते हैं या फिर बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों फ्रेंड्स, ये जो थ्रेडिंग है ये कोई भी हार्म किए बिना लेयर से फॉलिकल से हेयर को रिमूव करता है बहुत ही अच्छे से। वैक्स में जो केमिकल का इस्तेमाल होता है, आर्टिफिशियल केमिकल जो होता है, या फिर ट्वीजिंग से जो पेन होता है, ये पेनलेस होता है जो थ्रेडिंग होता है। तो ये इसका एक बेनिफिट है, ये पेनलेस एक प्रोसेस है और कोई भी ऊपर का जो स्किन है उसको हार्म किए बिना ये फॉलिकल से जो हेयर होते हैं उसको रिमूव करने का बहुत ही एक अच्छा और सही प्रोसेस है, बहुत ही बेस्ट एक प्रोसेस है। तो ये इसका बेनिफिट है। जिन लोगों को बहुत पेन होता है या फिर बहुत बहुत ज़्यादा अगर आईब्रो एरिया में आपका हेयर आते हैं तो आप इसमें वैक्स नहीं कर सकते हैं। वैक्स भी किए जाते हैं लेकिन वैक्स बहुत पेनफुल होते हैं और केमिकल का भी इस्तेमाल होते हैं हॉट वैक्स में या फिर कोल्ड वैक्स में। तो वैक्स एक सेफ एक प्रोसेस है और ये ऊपर का लेयर जो है उसको हम पहले भी बोले हैं हम के बिना एक फॉलिकल से बहुत अच्छे से रिमूव करता है हेयर को। लेकिन सेंसिटिव स्किन में जब भी थ्रेडिंग हो, सेंसिटिव स्किन में बहुत ही माइन्यूटली बहुत ही ध्यान रखे करना चाहिए, स्किन को टाइट पकड़ना चाहिए क्योंकि स्किन नहीं, जब आप थ्रेडिंग कर रहे हैं तो स्किन को टाइट पकड़ें, हेयर ही रिमूव करना है। अगर स्किन किसी भी तरह स्किन आ जाए थ्रेडिंग में, स्किन आप अच्छे से टाइट ना पकड़ो तो इसमें ब्लड जम सकते हैं और आपको दर्द भी हो सकता है। तो सही तरीके से करने से ये पेनलेस एक प्रोसेस है, थ्रेडिंग हेयर रिमूवल का एक पेनलेस प्रोसेस है। और जो थ्रेडिंग का और एक जो बेनिफिट है ये लास्ट करता है 4 से 5 वीक्स, ये लास्ट करता है जो फिर भी अपने अपने ग्रोथ, जैसा अलग अलग ग्रोथ है सबका हेयर का उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये 10 से 15 मिनट्स का एक प्रोसेस है और हेयर आने में आपको 2 से 4 वीक्स लग जाते हैं, वैक्स से इसे जल्दी आते हैं हेयर। तो इसका जो लास्ट करता है वो भी बेनिफिशियल है, बहुत दिन तक ये लास्ट भी करता है। तो ये रहा कुछ बेनिफिट्स थ्रेडिंग करने का। जो आईब्रो थ्रेडिंग है, थ्रेडिंग का जो प्रोसेस है और वैक्सिंग, बोथ आर द टाइप ऑफ एपिलेशन प्रोसेस, इसको एपिलेशन बोलते हैं वैक्सिंग और थ्रेडिंग को। फेशियल हेयर रिमूवल के लिए थ्रेडिंग को ही बहुत पसंद किए जाते हैं, थ्रेडिंग का जो प्रोसेस है वो सेफ होता है। इससे आईब्रो थ्रेडिंग, आईब्रो एरिया, अपर लिप्स एरिया, फेशियल के जो और भी पोर्शन है उसमें किए जाते हैं थ्रेडिंग। ये जो थ्रेडिंग का प्रोसेस जो है वो काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज में पसंद किए जाते थे, ब्यूटी सैलून्स में जो सबसे ज़्यादा जो काम होता है, जो सर्विस होता है वो है थ्रेडिंग, क्योंकि ये 2 से 4 वीक्स में आ जाते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा तो ये सीखना या फिर अच्छे से प्रॉपरली इसको इसका नॉलेज बहुत ज़रूरी है। वैक्स का भी चलन है आईब्रो में, लेकिन थ्रेडिंग को ही सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। फिर एक बार बोल रहे हैं ये जो वैक्स थ्रेडिंग का प्रोसेस है ये लेस पेनफुल है वैक्सिंग से, ये काफ़ी फायदेमंद है थिनर आईब्रोज के लिए, बहुत अच्छे से ये रिमूव करता है हेयर को और फॉलिकल से। थ्रेडिंग के बारे में कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं।
वैक्सिंग के बारे में या फिर थ्रेडिंग के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। कोई भी सजेशन हो तो आप दे सकते हैं। तो ये जो आज हो रहा है आईब्रो, इसमें शेप अच्छे से दिया हुआ है ऑलरेडी। इसमें खाली जो लाइन है, लाइन दिए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा जो है एक्स्ट्रा रिमूव हो रहा है आज। तो एक्स्ट्रा रिमूव करने के लिए आपको थ्रेड कैसे पकड़ना है वो अच्छे से ध्यान से देखिए, लर्न कीजिए और ट्राई कीजिए। और जैसे बहुत ह्यूज हेयर जिसमें आईब्रो में आते हैं या फिर फर्स्ट टाइम जो आईब्रो होते हैं वो भी कैसे करना है, कैसे शेप देना है, वो भी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आगे वीडियो में हम वो वीडियो भी लाएंगे जिसे आप आईब्रो थ्रेडिंग सीख सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकली इसको थ्रेड को पकड़ के प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, उसमें बहुत टाइम भी लगता है। शेप भी बहुत सारे होते हैं और फोरहेड एरिया या फिर अपर लिप्स एरिया में या फिर फुल जो फेशियल थ्रेडिंग होता है वो कैसे किए जाते हैं उसका भी वीडियो हम लाएंगे। थ्रेड अगर आप कैसे थ्रेड को यूज़ करते हैं सीख जाए तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए उसको। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आगे भी बहुत सारे वीडियोस लाएंगे, आप सीखें, ट्राई करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, बाय।